बना समाज सेवक, नौकरी छोड़ कोरोना काल में जरूरतमंदों की कर रहा है मदद। मालाड़ में रहने वाले रमजान शेख पेशे से इंजीनियर है। पढ़ाई के बाद घर वालों का सपना था कि रमजान विदेश जाकर खूब पैसे कमाए, लेकिन रमजान को देश प्रेम ने रोक दिया। रमजान मुंबई में सिविल इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर अब कोरोना काल में जरूरतमंद लोगों की होप मिरर फाउंडेशन के द्वारा मदद कर रहे हैं। रमजान शेख और उनकी टीम द्वारा लगातार कोरोना काल में जरूरतमंदों को राशन वितरण व अन्य सहायता के अलावा महिला सशक्तिकरण के लिए सैनिटरी पैड के बारे में शिक्षित करना व वितरण करना किया जा रहा है। होप मिरर के द्वारा रमजान शेख और शैलेश पटेल के मार्गदर्शन में मालाड़पुर में 100 से 170 जरूरतमंदों को बारिश से पूर्व छाता वितरण किया गया। रमजान और शैलेश ने बताया कि वे 500 से ज्यादा छाता जरूरतमंद लोगों को वितरण कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि फाउंडेशन का मकसद लोगों की मदद करना है, लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाना है। अगर किसी भी व्यक्ति को सहायता की जरूरत हो तो हमारे फाउंडेशन के रमजान शेख से संपर्क करें, उनकी मदद यथासंभव हो जाएगी। एक्चुअली मैंने इंजीनियरिंग तो 2016 में कंप्लीट की थी, उसके बाद मैंने अपना जॉब वगैरह किया। फिर जब लॉकडाउन जब आ गया तो मुझे पहले से मेरा प्लान था कि मतलब अपनी जो ज़िंदगी है लोगों के लिए काम आनी चाहिए। तो फिर मैंने लॉकडाउन में एक एनजीओ बनाया और लोगों को हेल्प करने का मैंने अपना एक बोलते ना प्रयास चालू कर दिया। तो मैंने स्टार्टिंग में राशन से चालू किया था। लॉकडाउन आया था, लोगों के पास राशन नहीं था, इनकम सोर्स कम था, हमने राशन बांटना स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे वापस लॉकडाउन जब कम होने लगा, हमने जो लोग जॉब चले गए थे उनके लिए जॉब फेयर कैंपेन रखे हम लोग ने। फिर उसके बाद हम लोग ने लोगों को कंबल बांटना हुआ, फिर लोगों के लिए खाना बांटना हुआ, फिर हर चीज़ हम अच्छे धीरे जो हमारे जो 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 ज़रूरत पड़ती गई ना, तो हम वो चीज़ करते गए। फिर अभी रिसेंटली वापस से राशन बांटना चालू किया ये लॉकडाउन में। वापस से हमने अभी फिर ये आज का हमारा ड्राइव है कि हम लोगों को अम्ब्रेला बांटने का प्लान किया, क्योंकि अभी बारिश आने वाली है तो लोगों को उसके पहले उनको छाते का उनको हो जाएगा उनके ज़रूरत के हिसाब से, मतलब इसलिए हमने ये ड्राइव चालू करने का प्लान किया। देखा जाता है नौकरी या फिर विदेश में जाने की भी सोच रखता है, ऐसे में आपने विदेश जाने के बजाय आप इस तरह से लॉकडाउन के दौरान लोगों की मदद कर रहे हैं? मुझे तो पहले अपने बाहर जाने का दिल ही नहीं करता, मुझे अपने इंडिया से महाराष्ट्र से मुंबई से बहुत प्यार है, तो मुझे ये छोड़ के जाने का दिल नहीं करता है। तो मैंने जो भी काम है बोला इधर ही स्टार्ट करूँ, पहले अपने घर को बसाया जाता है, घर को बड़ा किया जाता है, फिर लोगों का देखा जाता है जैसे बोलने की कहावत वैसे। तो फिलहाल इधर ये अपने को मुझे ये पूरा मुंबई महाराष्ट्र जो इंडिया ना, मुझे जितना हो सके उतना अपना पूरा ज़िंदगी बिता के ना मुझे इसको सब सुधारना है, मतलब सबको खुशहाल करना है जितना मेरे से हो सके।